हेलो फ्रेंड्स, मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दही भल्ला प्रीमिक्स पाउडर की रेसिपी, और इससे दही भल्ला कैसे बनाया जाता है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दही भल्ला के प्रीमिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2/3 कप मूंग दाल लिया है। धुली हुई जो मूंग दाल मिलती है मार्केट में वो लेना है आपको। 1/4 कप उड़द दाल लिया है, इसे हमें 2-3 टाइम्स अच्छे से वॉश कर लेना है। आपको इसे भिगा के नहीं रखना है, नहीं तो जो आपका प्रीमिक्स बनेगा उसमें फंगस पड़ जाएगा। इसे हमें तुरंत ही धो के यूज करना है। ये मैंने दालों को धो लिया अच्छे से, उसको मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल दिया है। अब इसे हमें 2-3 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो भी इसमें पानी रहेगा वो निकल जाएगा। उसके बाद इसे हम कपड़े में डाल के सुखा देंगे फैन के नीचे 1/2 आवर्स। अगर ये प्रोसीजर आपको नहीं करना है तो आप इसे धूप में सुखा दीजिए दाल को, और अच्छी तरह से पोंछ के यूज कर सकते हैं। अब हम अपने दाल को इस कपड़े में अच्छे से फैला के 1/2 आवर तक सूखने देंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए। दाल जो हमने 1/2 आवर्स के लिए सुखाया था फैन के नीचे वो अब सूख गया है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे ताकि जो हल्का फुल्का भी इसमें मॉइस्चर होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा। पैन में हम दाल को डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम में आप रोस्ट करेंगे। दाल हमारी रोस्ट हो गई है, आप देखिए इसमें आवाज आ रही है ना, तो ऐसे ही आवाज आएगी। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। हमने जो दाल को रोस्ट किया था वो ठंडा हो गया, अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमने मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया है, पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अगर आप दरदरा पीसते हैं तो उसे छान लीजिएगा और फिर जो बचता है उसे फिर से पीस लीजिएगा, लेकिन आपको इसे पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो ये हमने इसको बाउल में ट्रांसफर कर लिया है पाउडर को। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून हींग मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और स्पून की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा दही भल्ले का प्रीमिक्स रेडी है। अब इससे दही भल्ले के बड़े कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर इस प्रीमिक्स पाउडर से दही भल्ले आपको अभी नहीं बनाना है तो इसे एक एयर टाइट डब्बे में भर के आप फ्रिज में रख दीजिए, आराम से ये 2-3 मंथ्स चल जाएगा। लेकिन अगर इसे आप बाहर रखेंगे तो आप 1 महीने ही रख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रिज में रखेंगे तो आराम से 2-3 महीने आपका ये चल जाएगा। बड़े बनाने के लिए हम एक बाउल ले लेंगे। अब इसमें 1 कप जो हमने प्रीमिक्स पाउडर बनाया है उसे ले लेंगे और इसको अच्छे से, मैंने यहाँ पर हल्का वार्म वाटर लिया है। अब मैं आपको हाथ डाल के दिखाती हूँ तो हाथ आपका नहीं जलेगा, इस टाइप का वाटर आपको लेना है। अब वाटर इसमें हल्का हल्का ही डालना है और विस्कर की सहायता से इसे हिलाना है। एक साथ वाटर नहीं डालना है आपको, अब कंटिन्यूअस आपको इसे 5-6 मिनट विस्क करना है। अगर आप विस्क नहीं करना चाहते हैं इसे तो आप इसमें 1/2 टीस्पून इनो डाल सकते हैं या खाने का सोडा डाल के भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको विस्क करके दिखा रही हूं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे,
और क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको इसे विस्क करना है 5 to 6 मिनट। जितना आप इसको विस्क करेंगे उतना ही आपके जो बड़े हैं वो सॉफ्ट बनेंगे, तो इसलिए विस्क करने में आप बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। अगर आपको विस्क नहीं करना है तो 1/2 टीस्पून खाने का सोडा डाल सकते हैं या इनो भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से विस्क हो गया है, अब इसमें हम 1 टीस्पून जिंजर मिला देंगे। एक टीस्पून हरी मिर्च को बारीक कट करके मिला देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम बड़े को फ्राई करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑयल गरम होने देंगे। अब हम ऑयल गरम हो गया है, अब अपने बड़े बनाना चालू करेंगे। इतना बड़ा आपको शेप देना है, आप अपने बड़े को दे सकते हैं। जब तक हमारे बड़े सिक रहे हैं तब तक हमें पानी गर्म करना है, लेकिन यहां पर मैंने पानी गर्म कर लिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट मिला देंगे, 1/2 टीस्पून हींग मिला देंगे। जब हमारा बड़ा सिक जाएगा गरम गरम ही इस गरम पानी में डाल देंगे, ताकि वो इसमें भीग के गरम पानी में और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे बड़े सिक चुके हैं, अब इसे हम निकाल के जो हमने गरम पानी किया है उसमें डाल देंगे गरम गरम ही। इसी तरह से सारे बड़े को हम रेडी कर लेंगे। तो ये बड़ा जो हमने पानी में भिगाया था इसको इस तरीके से लेके ऐसे स्क्वीज करेंगे। बहुत ज्यादा स्क्वीज मत करिएगा, हल्के से स्क्वीज करिएगा, नहीं तो आपके बड़े टूट जाएंगे। तो ये स्क्वीज करके हमने एक बाउल में असेंबल कर लिया है। अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे दही। दही में मैंने सिर्फ शुगर मिलाया है। इसके बाद हम इसमें मीठी चटनी डालेंगे। अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी छिड़क देंगे। अब थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट छिड़क देंगे और हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे। अब इसके ऊपर हल्का सा थोड़ा दही और डाल देंगे, थोड़ी मीठी चटनी और धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। तो ये हमारा दही बड़ा बनके रेडी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।